नमस्कार, मैं श्रेया कपूर राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला क्रिया की एक छात्रा हूँ। मैं कक्षा जमा 2 में पढ़ती हूँ तथा NSS की एक वॉलंटियर हूँ। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि किस प्रकार से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में अपना कोहराम मचा रहा है, हमारे देश में भी कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या लगभग 12 लाख के करीब पहुंच चुकी है और काफी संख्या में लोग इस बीमारी से अपनी जान को गंवा चुके हैं। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि किस प्रकार से आप अपनी अपने घर परिवार समाज की कोरोना वायरस से बचाव कर सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने का एक रामबाण इलाज है सोशल डिस्टेंसिंग। सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ है लगभग 1 दूसरे से 2 गज की दूरी। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 दूसरे से 2 गज की दूरी रखता है तो वह इस वायरस से बच सकता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सोशल डिस्टेंसिंग का एक सरल भाषा में अनुवाद किया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का अर्थ है लगभग प्रत्येक व्यक्ति 1 दूसरे से 2 गज की दूरी रखे। यदि प्रत्येक व्यक्ति 1 दूसरे से 2 गज की दूरी रखता है तो वह इस वायरस से बच सकता है। नंबर 2, हमें मास्क का पूर्ण रूप से पहनना चाहिए। हम जब घर से बाहर जा रहे हैं तो हमें मास्क ही पहनकर जाना चाहिए। नंबर 3, हमें सैनिटाइजर का पूर्ण रूप से उपयोग करना चाहिए। यदि हमारे पास सैनिटाइजर नहीं है तो हम हैंड वॉश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमें अपने हाथ 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से धोने चाहिए। जो हमारे हाथ धोने के लिए जो 5 स्टेप हैं उससे हमें अपने हाथ धोने चाहिए 20 सेकेंड तक अच्छी तरह से। और जब हमें जब भीड़ वाले इलाकों में नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि आप भीड़ वाले इलाकों में जा रहे हैं और उनमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो और वे आप सभी को कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। और अगर आप अपने घर आ रहे हैं तो वो आपको भी कोरोना पॉजिटिव कर सकता है। घर आ रहे तो अपने परिवार को भी पॉजिटिव करें। अगर वो परिवार वाले आगे कहीं किसी और से मिल रहे हैं तो वो उन्हें भी कोरोना पॉजिटिव कर रहे हैं। इसलिए जब भी आपको कोरोना वायरस से जुड़े कोई भी लक्षण नजर आए, जैसे दर्द, खांसी, जुकाम, ये तो इसके लक्षण है। यदि आपको इनमें से कोई भी लक्षण नजर आए तो आप अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं तो अपने पूर्ण रूप से इलाज कराएं। यदि आपको वहां के डॉक्टर क्वारंटीन में रहने के लिए कहते हैं तो क्वारंटीन में रहें, क्योंकि क्वारंटीन में रहना कोई बुरी बात नहीं है। ये हमारे घर हमारे लिए उपयोगी होती है, क्योंकि यदि हम क्वारंटीन में नहीं रहते घर में आ जाते हैं तो हम अपने सगे संबंधियों और अपने परिवार वालों को भी इस वायरस से संक्रमित कर सकते हैं। तो अंत में बस मैं यही कहूंगी कि स्टे होम स्टे सेफ, जन जन का ये नारा है, भारत को कोरोना मुक्त बनाना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।